Good morning students, myself Sam Patel. Today we are going to start part 8 of chapter number 11, force and pressure. जैसे कि बच्चों हमारा part 8 में जिसमें हम non contact force के बारे में समझेंगे. वैसे तो हमने last lecture में part 7 में हमने कुछ दो non contact force के बारे में समझा था. याद है आपको वो कौन से दो non contact force थे? कौन से थे? फर्स्ट कौन सा था? मैग्नेटिक फोर्स है ना, याद है? फर्स्ट मैग्नेटिक फोर्स था और सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था. तो दो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में हमने समझ लिया कि नॉन कॉन्टेक्ट जो फोर्स होते हैं वो ऐसे फोर्स होते हैं जो एक दूसरे ऑब्जेक्ट को हम विथआउट टचिंग, विथआउट कॉन्टेक्ट टू इट, कॉन्टेक्ट किए बिना हम उसको क्या कर सकते, उसके ऊपर फोर्स लगा सकते. वैसे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में हमने समझा था. तो दो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स तो हो गए. आज के लेक्चर में हम थर्ड नॉन कॉन्टेक्ट जो फोर्स है उसके बारे में समझ लेते. देखिए नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस, थर्ड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स. आज जो थर्ड जो फोर्स जो है नॉन कॉन्टेक्ट वो है ग्रेविटेशनल फोर्स. इसके बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप सिक्स स्टैंडर्ड और सेवन स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो. ओके, सी हियर, यू नो दैट अ कॉइन और अ पेन falls to the ground when it slips off your hand. आपको पता है कि जब आपके हैंड में से जब कॉइन या फिर पेन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे हैंड से जब स्लिप हो जाता है तो डायरेक्टली वो कहा जाता है नीचे की ओर. कभी ऐसा हुआ कि हमारे हैंड से स्लिप हो गया सीधा ऊपर चला गया? हुआ कभी ऐसा? नहीं. हम ऊपर थ्रो करेंगे तो ही ऊपर जाएगा, वरना कोई भी थिंग्स मेरे हैंड से अगर क्या होगी, स्लिप हो जाएगी. समझ में आ रहा है? कोई भी थिंग्स अगर स्लिप होगी तो कहाँ जाएगी? नीचे की ओर ही जाएगी. देखिए जैसे कि ये मार्कर दिख रही है आपको, ये मेरे हैंड से स्लिप हो जाए तो कहाँ गई स्लिप होके? नीचे की ओर गई ना. ऐसा हुआ है कभी अगर पैंट से स्लिप हो जाए ऊपर की ओर चली जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना. आप कहोगे कि हाँ सर ऐसा होता है, बलून जो होता है बलून हमारे हैंड से स्लिप हो जाए तो बलून ऊपर की ओर जाता है, लेकिन बलून में क्या होता है? गैस होता है ना, उसकी वजह से ऊपर की ओर जाता है. बाकी कोई भी थिंग्स अगर हमारे हैंड से स्लिप हो जाएगी तो डायरेक्टली वो नीचे की ओर ही मूव होगी. समझ में आ रहा है? ओके, सी हियर, लीव्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो फॉल टू द ग्राउंड व्हेन दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट. देखिए यहाँ पे लीव्स एंड फ्रूट्स के बारे में बताया गया है कि लीव्स एंड फ्रूट जो होते हैं वो भी सीधा कहाँ पे जाते हैं? ग्राउंड पे जाते हैं. जब वो लीव्स जो होते हैं, जब ट्री की जो ब्रांच जो होती है ब्रांच से सब वो डिटैच हो जाएंगे, या फिर फ्रूट जो है अपनी ब्रांच से जब डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तब वो डायरेक्टली कहाँ पे जाते हैं? ग्राउंड की ओर मूव होते. ऐसा हुआ कभी कि फ्रूट है, फ्रूट अपने ब्रांच से अगर डिटेच हो गया तो डायरेक्ट ऊपर चला गया स्काई में? देखा है कभी ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं होता. समझ में आ रहा है? क्योंकि वो डायरेक्टली ग्राउंड पे ही जाएगा. ये ग्राउंड पे क्यों जाएगा? तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसा होता है. देखिए यहाँ, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इट इज सो? क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ये कोई भी थिंग्स होती है वो डायरेक्टली, कोई भी थिंग्स अगर हमारे हैंड से स्लिप हो जाती है, जैसे कि हमने लीव्स का एग्जांपल देखा, पेन का एग्जांपल देखा, ओके, फ्रूट्स का एग्जांपल देखा, तो ये सभी थिंग्स जो है वो अगर स्लिप हो जाते डायरेक्टली कि डाउनवर्ड्स नीचे की ओर ही मूव होगी. व्हेन द कॉइन इज हेल्ड इन योर हैंड इट इज अ प्रेस. देखिए कॉइन जब हमारे हैंड में था, कॉइन का एग्जांपल हमने देखा कि कॉइन जब हमारे हैंड में होता है तब वो रेस्ट पोजीशन में होता है, तब वो मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पोजीशन में जब हमारे हैंड में कॉइन होता है तब. क्लियर? एज सून एज इट इज रिलीज इट बिगिन्स टू मूव डाउनवर्ड्स. जैसे ही हमारे हैंड से वो स्लिप होगा, जैसे ही हमारे हैंड से कॉइन रिलीज होगा, डायरेक्टली वो किसकी ओर मूव करेगा? डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर ही वो मूव होगा. ओके, इट इज क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कॉइन अंडरगोज अ चेंज. ये यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे क्या होता है, उसके स्टेट में, मोशन में, उसकी मोशन में चेंज होता है.
है ना, जब कॉइन हमारे हैंड में होता है तब वो रेस्ट पोजीशन में होता है, जैसे ही हम कॉइन को रिलीज करते हैं धीरे 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 वो कहा कि डाउनवर्ड नीचे की ओर वो मूव होता है, लेकिन उसकी मोशन उसके स्पीड में भी जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं उसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। समझ में आ रहा है? यहां से अगर मैं उसको लीव करूं तो यहाँ उसकी जो जब मैंने उसको होल्ड किया होगा तब उसकी जो स्पीड है जीरो होगी, जैसे मैं रिलीज करूंगा धीरे 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 उसकी जब डाउनवर्ड्स हो जाएगा धीरे धीरे उसकी स्पीड कैसे हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। समझ में आ रहा है? स्पीड में इंक्रीमेंट होगा। क्लियर? नाउ कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जब वो कोई भी थिंग्स हमारे हैंड से रिलीज होती है तब वो डाउनवर्ड्स जाती है, बराबर नीचे की ओर जाती है, तो क्या है ऐसे ही होता होगा, क्या उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा? तो हाँ, उसके ऊपर फोर्स लगता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। विच इज दिस फोर्स, ये जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? तो बोलते हैं फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सब होता है। कोई भी थिंग्स जो होती है अगर हमारे हैंड से स्लिप हो जाएगी तो वो डायरेक्टली कहां पे जाएगी? नीचे की ओर मूव होगी। क्लियर? ओके, देन ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। यहाँ पे ऐसा बताया गया है कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी थिंग्स, ऑब्जेक्ट बोले या तो थिंग्स बोले, दोनों का मतलब एक ही है। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट बोलो या फिर थिंग्स बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो ऑब्जेक्ट या फिर थिंग्स जब वो फॉल होगी, जब वो गिरेगी एंड टूवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की ओर मूव होगी। जब वो फॉल होगी तो किसकी ओर मूव होगी? अर्थ की ओर मूव होगी। बिकॉज इट पुल्स देम, क्योंकि अर्थ जो होती है वो उसको पुल करती है। समझ में आ रहा है? हमारी अर्थ जो होती है वो थिंग्स को क्या करेगी? पुल करेगी। वो अपनी ओर, अर्थ जो है वो अपनी ओर वो थिंग्स को खींचेगी। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। ये जो फोर्स जो है, ये जो अर्थ का जो फोर्स है अपनी ओर खींचने का कोई भी ऑब्जेक्ट को, ये फोर्स को ग्रेविटी कहा जाता है। क्या कहा जाए? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या तो सिर्फ ग्रेविटी, या तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोल सकते हो या तो ग्रेविटी बोल सकते हो। एक बार फिर से आपको समझा दूं कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है, ये ग्रेविटी जो है वो किसको कहा जाता है? द ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है जब फॉल होता है, जब वो गिरता है तो वो नीचे की ओर मूव होता है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ जो होती है, बिकॉज द अर्थ पुल इट, अर्थ जो होती है उसको पुल करती है, अर्थ उसको खींचती है। समझ में आ रहा है? अर्थ क्या करेगी? वो ऑब्जेक्ट को पुल करेगी, अपनी ओर खींचेगी। ये जो अर्थ का, ये जो फोर्स है अपनी ओर खींचने का, इस फोर्स को हम ग्रेविटी कहेंगे। समझ में आ रहा है? ग्रेविटी किसको कहते हैं? यहाँ पे ग्रेविटी की डिफाइन की गई है। ओके, देन दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। बच्चों, ये जो फोर्स जो है, जो ये ग्रेविटी का जो ये फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स है। उसको कैसा फोर्स कहेंगे हम? अट्रैक्टिव फोर्स कहेंगे। समझ में आ रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स इसको क्यों कहा जाता है? अट्रैक्टिव फोर्स इसको इसलिए कहा जाता है कि ये कोई भी थिंग्स जो होती है और क्या करती है, ग्रेविटी क्या करती है कि ये अपनी ओर उसको पुल करती है, अट्रैक्ट करती है, इसकी वजह से इसको अट्रैक्टिव फोर्स कहा गया है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। देखिए यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये जो ग्रेविटी, जो ग्रेविटी का जो फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स जो है वो सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि मैंने पेन का एग्जांपल दिया या फिर मैंने मार्कर का एग्जांपल दिया तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके ऊपर ही फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है? मैंने फ्रूट का एग्जाम्पल दिया, लीव्स का एग्जाम्पल दिया, तो ऐसा नहीं कि सर ने बोला कि फ्रूट्स या फिर लीव्स तो बस फ्रूट्स और लीव्स ही अर्थ की ओर मूव हो गया, ऐसा नहीं। जितने भी हमारे अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट है सबके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटी जो है सब ऑब्जेक्ट के ऊपर वो लगती है। क्लियर? द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स।
सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट अवर बीइंग अवेयर ऑफ इट। देखिए यहाँ पे ऐसा बताया गया है, सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो लगता ही है, लेकिन हमारे ऊपर अर्थ पे जितने भी लिविंग बींग्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बराबर लिविंग या नॉन लिविंग जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके ऊपर ये फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स सबके ऊपर अप्लाई होता है। क्लियर? ओके, देन वॉटर बिगिंस टू फ्लो टूवर्ड्स द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन अ टैप। देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जांपल भी दिया गया है, जब टैप जो होता है, टैप जब हम ओपन करते हैं, वॉटर टैप जब हम ओपन करते हैं तो वॉटर क्या होता है, डायरेक्टली ग्राउंड की ओर मूव होता है। देखा है ना आपने, ग्राउंड की ओर फ्लो हुआ। कभी आपने ऐसा देखा है कि वॉटर टैप हमने ओपन किया और वॉटर सीधा ऊपर की ओर चला गया, हुआ है कभी ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि उसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटी की वजह से वो वॉटर जो है वो नीचे की ओर मूव होगा, अर्थ जो है उसको पुल करेगी नीचे की ओर। समझ में आ रहा है? ये ग्रेविटी उसको पुल करेगी। वॉटर इन रिवर्स फ्लोस डाउनवर्ड्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि रिवर्स में जो वॉटर होता है, रिवर में जो वॉटर होता है वो भी एक ग्रेविटी की वजह से, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से वो भी फ्लो डाउनवर्ड्स नीचे की ओर वो फ्लो होता है। रिवर का जो वॉटर होगा आपने देखा होगा कि वो भी क्या होता है, नीचे की ओर फ्लो होता है। क्लियर? नाउ ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन। यहाँ पे ऐसा बताया गया कि ग्रेविटी जो है सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है, ग्रेविटी जो है सिर्फ अर्थ पे ही नहीं लगती, बट इन फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स के सभी ऑब्जेक्ट में लगती है, वेदर स्मॉल और लार्ज एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एवरी अनदर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि ग्रेविटी जो है वो सिर्फ अर्थ पे ही नहीं लगती, ग्रेविटी जो है वो पूरे यूनिवर्स में, मीन जो प्लैनेट्स जो आए गए, प्लैनेट जो है यूनिवर्स में, उसमें प्लैनेट पे भी ग्रेविटी लगती है। समझ में आ रहा है? सभी जगह पे ग्रेविटी यूज होती है। इन फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी लगेगी, वेदर स्मॉल और लार्ज। वो ऑब्जेक्ट भले स्मॉल हो या फिर लार्ज हो, या स्मॉल ऑब्जेक्ट हो कि लार्ज ऑब्जेक्ट हो, सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी अप्लाई होगी। एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एवरी अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है। याद रखिएगा, सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वन ऑब्जेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। दिस फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। समझ में आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सभी थिंग्स के ऊपर, हमारी अर्थ पे जितने भी थिंग्स है, थिंग्स हो या फिर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, हमारी अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स है पूरे यूनिवर्स में, सिर्फ अर्थ पे ही नहीं पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अप्लाई होता है। तो समझ में आ गया? तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने पार्ट 8 में नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, थर्ड नॉन कॉन्टेक्ट जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बारे में समझा। लास्ट लेक्चर में हमने दो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में समझ लिया था, फर्स्ट जो था मैग्नेटिक फोर्स और दूसरा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो दो लास्ट लेक्चर में समझ लीजिए, आज थर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने समझा। ओके, तो इस वीडियो को एक बार फिर से इसको रिपीट कर लीजिए, फिर से इसको समझ लीजिए, और बाकी के जो टॉपिक्स जो है न्यू टॉपिक्स को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, मीन्स पार्ट नंबर 9 में समझाऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।